Hey guys, welcome to my channel. आज हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं कैसे हम पोर्ट्रेट बनाएं बहुत ही आसान तरीके से। जी हाँ, बहुत सारे लोग पोर्ट्रेट बनाते हैं लेकिन उसका जो फेस का स्ट्रक्चर है वो बदल जाता है। मतलब कि आंख कैसे कहीं पे हो जाता है, नाक बड़ा हो जाता है, मतलब कि फेस का पूरा नक्शा ही बदल जाता है क्योंकि वो फॉलो नहीं करते कुछ मेथड का। जी हाँ, पोर्ट्रेट बनाने के लिए बहुत सारा मेथड है, जैसे कि फ्री हैंड, पेंसिल मेजरिंग, ग्रिड मेथड। अगर आप बिगिनर हो तो ग्रिड मेथड आपके लिए बहुत ही अच्छा है। क्योंकि तो वीडियो काफी लंबा होने वाला है क्योंकि मैं यहाँ पे पोर्ट्रेट का पूरा हिस्सा कवर करने वाला हूँ, आउटलाइन से लेके पूरा शेडिंग तक, और मैं इसको एपिसोड वाइज बनाने जा रहा हूँ। तो इस पर्टिकुलर एपिसोड में मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ कैसे आप रेफरेंस फोटो पर कैसे आप ग्रीन बनाएं और उसका आउटलाइन कैसे बनाएं। बहुत सारा बकबक कर लिया, चलो कुछ सीखते हैं। आजकल तो फोन से देखकर सब लोग बनाते हैं, तो फोन पर भी एक अच्छा सा एप्लीकेशन है जो कि आप अच्छे से ग्रिड बना सकते हैं। आप प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ पे आप सर्च कीजिए ग्रिड ड्राइंग। बहुत सारे हैं लेकिन वो फर्स्ट में जो मिलेगा वही सबसे अच्छा है, मैं वही आपको रिकमेंड करता हूँ। आप गैलरी पर जाइए और उस फोटो को चूज कीजिए। ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे रॉ और कॉलम, जितना सारा आपको ग्रिड बनाना है वहाँ पे लिख दीजिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4, जितना भी चाहिए आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो काफी अच्छा एप्लीकेशन है, आपके मर्जी से आपको जितना चाहिए उतना आप ग्रिड यहाँ पे बना सकते हो। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। मैं यहां पे 12 बॉक्स ले रहा हूं। तो रेफरेंस फोटो पर हम जितना ग्रिड बनाएंगे सेम यहां पर भी हम बनाएंगे। मैं यहां पे 12x12 ले रहा हूं। आप लाइन को बहुत ही अच्छे से आप खींचिए, टाइम लीजिए और अच्छे से कीजिए। उसके बाद आप इस तरह से जितना भी बॉक्स हो वहां इस तरह से आप नंबर लिख दीजिए। इसका रीजन आपको थोड़ी ही देर बाद पता चल जाएगा। मैं पोर्ट्रेट का स्टार्ट हमेशा आई से स्टार्ट करता हूँ, आप कहीं से भी कर सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि आई कहाँ पर है, आई वाला बॉक्स कौन सा है। तो ये वाला हमारा बॉक्स है जो कि ऊपर की तरफ से है 5 और यहाँ से भी 5, तो ये बॉक्स पे हमारा आई होगा। यहाँ पर भी हम देखेंगे 5, ये रहा यहाँ पर, और इस तरफ से भी 5, तो यहाँ पर हमारा बॉक्स मिल गया जो कि यहाँ पे होगा आईज। तो बाकी के पोर्शन के लिए भी ऐसा ही होगा। यहाँ पे दांत होगा यहाँ से 9 और यहाँ से 7, यहाँ से 7 और यहाँ से ये वाला बॉक्स और यहाँ पे 9। बॉक्स को देखिए, बॉक्स पर जैसा है वैसे ही आप बनाने की ट्राई कीजिए। यहाँ पे ये देखिए, आप जैसा सर्कल है इसी तरह से आप जैसा आपको दिख रहा है वैसे ही आप बनाने की कोशिश कीजिए।
ठीक उसी तरह हम यहाँ से दूसरा आंख देखेंगे कहाँ पर है। बेसिकली यही है, आप पहले रेफरेंस फोटो पर देखिए कौन सा बॉक्स पे क्या है और सेम उसी तरह यहाँ पर भी आप वैसे ही ड्रॉ करो, जिस बॉक्स पे जैसा है वैसे ही। इसी तरह से आप ग्रिड मेथड का यूज करके एक पोर्ट्रेट बना सकते हैं। तो पहले आप रेफरेंस फोटो पर ग्रिड बनाओ, जितना सारा बॉक्स होगा उतना ही आप पेपर पे बनाओ, देन जहां से भी आप स्टार्ट करना चाहते हैं वहां से आप स्टार्ट कीजिए, आई नोज लिप्स जहां से भी आप चाहें। इसी तरह आप अच्छे से एक आउटलाइन बना सकते हैं। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा वहाँ पे हम आई में हम शेड करेंगे, कैसे हम आई बनाते हैं, कैसे हम शेड करते हैं वो हम सिखाएंगे। तो बने रहिए।